हेलो एवरीवन वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2020 टायर वन के जीके और जीएस के क्वेश्चंस जो 24 नवंबर 2020 को शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में पूछे गए हैं इस वीडियो में हम 60 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एक्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यानी सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल अथेंटिक होंगे आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो यही आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर सेंड किए गए थे इसलिए आपको इनको अथेंटिक मानना पड़ेगा सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो रियल क्वेश्चन

ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर जो है वो है वियना सिटी में और कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना यहाँ पे मुख्यालय है ओपेक कंट्रीज का याद रखें वियना ऑस्ट्रिया नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुई थी ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फाउंड हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इसका जो हैडक्वार है वो है न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क जो है ये है एक सिटी यूएसए का और यूएसए की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डी सी वाशिंगटन डी में दो हेडक्वार्टर हैं एक तो है इंटरनेशनल मोनिट्री फंड का एक है वर्ल्ड बैंक का ये आप याद रखें इसके अलावा यहाँ पर हेडक्वार्टर का क्वेश्चन पूछा गया है इसके साथ आप ये भी याद रखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों का हेडक्वार्टर है जनेवा में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कल के एग्जाम में याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड नंबर क्वेश्चन जीएनपी जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी ये स्टैंड करता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इसके साथ आप ये भी याद रखिए जीडीपी जो है ये स्टैंड करता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये दोनों टर्म जो हैं वो इकोनॉमिक्स में यूज की जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फोर्थ नंबर क्वेश्चन विच आर्टिकल डील विद द प्रोहिबिट्स द इम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स यानी जो भी बच्चे हैं जिनकी एज जिनकी उम्र चौदह साल से कम है उनसे कोई भी हजार नेचर का काम नहीं करवाया जाएगा ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है ये आर्टिकल बताता है आर्टिकल नंबर ट्वेंटी आर्टिकल चौबीस फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मटकी जो डांस है ये कौन से राज्य से है ये जो मटकी डांस है ये एसोसिएट है मध्य प्रदेश राज्य से मध्य प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डेनेस्टीज़ फॉर्मड वैकुंठ पैरूमल टेम्पल इन कंचीपुरम कंचीपुरम जगह जो है यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है वैकुंठ टेम्पल इसको बनवाया किस डायनेस्टी ने था इसको बनवाया था पल्लवास डायनेस्टी ने पल्लवाज डायनेस्टी का एक शासक था जिसका नाम था नंदी वर्मन टू इसके द्वारा बनवाया गया था वैकुंठ टेम्पल कांचीपुरम में ये आप याद रखें पल्लवास डायनेस्टी के एक रूलर थे शासक थे नंदी वर्मन टू इनके द्वारा बनवाया गया था वैकुंठ टेम्पल कांचीपुरम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल तीन सौ तेईस जो है वो किस चीज़ से एसोसिएट है ये एसोसिएट है सिविल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विस कमीशन से पीएससी से और ये जो आर्टिकल है ये भी आप याद रख सकते हो 308 से लेकर 323 तक एसोसिएट है इस सिविल सर्विस और पब्लिक सर्विस कमीशन से और आर्टिकल तीन सौ ए और तीन सौ बी ये एसोसिएट हैं ट्रिब्यूनल से यानी हमारा जो ट्रिब्यूनल होता है इससे एसोसिएट है आर्टिकल नंबर तीन और तीन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एट नंबर क्वेश्चन वाई विच नेम नॉन कंचनजंगा इन नेपाल कंचनजंगा जो है नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है इसको नाम दिया जाता है कुंभकर्ण लंगूर कुंभकर्ण लंगूर इसी तरह जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में बोला जाता है सागर मठ सागर मठ के नाम से जाना जाता है जो हमारा माउंट एवरेस्ट है जो लोकेटेड है नेपाल में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो 11 नंबर शेड्यूल है ये किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था यह ऐड किया गया था बाय द सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट नाइनटीन नाइन्टी टू में और ये एसोसिएट है पंचायती राज सिस्टम से यह आपसे पूछा गया था कौन सा संशोधन हुआ था वो था सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएट है इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कल के एग्ज़ाम में सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो हुआ था उन्नीस में, में भी यही हुआ था यानी सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट और सेवनटी फोर्थ अमेंडमेंट दोनों ही हुए थे नाइनटीन में और इसके द्वारा बारह नंबर शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था ये एसोसिएट है म्यूनसिपल्टी से म्यूनसिपैलिटी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेंथ नंबर क्वेश्चन हु वाज द ट्वेंटी फोर्थ गवर्नर ऑफ आर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका जो ट्वेंटी फोर्थ नंबर के गवर्नर बने थे वो कौन बने थे ये बने थे उर्जित पटेल अभी कौन है अभी ट्वेंटी फिफ्थ हैं ये हैं शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास और आर बी आई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में और नबार्ड बैंक का एस बी आई का एच डी एफ सी बैंक का आई सी आई सी बैंक का इन सभी का मुख्यालय है मुंबई में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्यारह नंबर क्वेश्चन जो जी एस टी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब इंप्लीमेंट किया गया था ये इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को और कौन सी अमेंडमेंट हुई थी ये हुई थी 101 नंबर की अमेंडमेंट हुई थी 2016 में जिसके तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में 1 जुलाई 2017 रजिया सुल्तान जो है इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था ये आप याद रखें रजिया सुल्तान जो है ये पहली महिला शासक बनी थी मुस्लिम यानी मुस्लिम रूलर पहली बनी थी जो कि रजिया सुल्तान बनी थी इनका जो कार्यकाल था वो था बारह से लेकर बारह तक और ये फिफ्थ रूलर बनी थी फिफ्थ शासक बनी थी सलेव डेनेस्टी की ये आप याद रखें और ये बेटी थी इल्तुतमिश की इल्तुतमिश की बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान नेक्स्ट एक टर्म पूछी गई थी एल इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई थी ये स्टैंड करती है लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम ये है फुल फॉर्म ऑफ एल टी टी इसमें जो टी है पहला टी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी इसकी जो फुल फॉर्म है वो है टाइगर्स सेकंड जो टी स्टैंड करता है वो करता है तमिल ये है फुल फॉर्म ऑफ एल टी टी ई और ये कब बनी थी ये बनी थी उन्नीस में ये कौन से देश पर बेस्ड है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेस्ड है श्रीलंका में श्रीलंका में ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था एल टी टी ई ये आप याद रखें उन्नीस सौ छहत्तर में इसको बनाया गया था नेशनल स्पोर्ट्स डे पूछा गया था कब मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है उनतीस अगस्त को उनतीस अगस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नंबर क्वेश्चन एट प्रेजेंट प्रेजेंट द सर्वे ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय यानी में वर्तमान में जो सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको किसके द्वारा हेड किया गया है इसको हेड किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार के द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोलह नंबर क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछा गया था बैटल ऑफ चौसा के बारे में पूछा गया था यह हुई थी पंद्रह में यह पूछा गया था किन दो रूलर्स के बीच हुई थी यानी किन दो राजाओं के बीच हुई थी ये हुई थी शेर शाह सूरी और हमायू के बीच शेर शाह सूरी और हमायू के बीच हुई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ चौसा कब हुई थी पंद्रह में शेर शाह सूरी और हमायू और पंद्रह में हुई थी बैटल ऑफ बिलग्राम जो कि एक इलाका है कन्स के पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सत्रह नंबर क्वेश्चन 2000 में जो समर ओलंपिक्स हुए थे ये कहाँ पे हुए थे ये हुए थे सिडनी में सिडनी एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा कैनबरा और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है स्कॉट मॉरिसन स्कॉट मॉरिसन ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000 में समर ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे ये हुए थे सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कितने मंडल हैं ऋग्वेदा में ऋग्ग में टोटल जो मंडल हैं वो हैं टेन और ऋग जो है ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट वेदा है ये आप याद रखें ओल्डेस्ट एवरी चाइल्ड मैटर्स ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी इस बुक को लिखा था कैलाश सत्यार्थी ने कैलाश सत्यार्थी वही हैं जिनको 2014 में नोबल पीस प्राइज दिया गया था नोबल पीस प्राइज मिला था इनको 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबल पीस प्राइज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद हर्ट यानी हर्ट के साथ कौन सी टर्म है जो कि एसोसिएट है यह है ऑटा ऑटा जो है ये एसोसिएट है विद द हर्ट हर्ट ये आप याद रखें ऑटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 21 नंबर क्वेश्चन हंटर कमीशन जो है अठारह में बिठाया गया था इसको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया था हंटर कमीशन अट्ठारह में अपॉइंट किया गया था लोड रिपन के द्वारा लोड रिपन पार्ट फोर्थ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये किस चीज़ से एसोसिएट है किस चीज़ से डील करता है पार्ट फोर्थ पार्ट फोर्थ जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से एसोसिएटेट है डीपीएसपी से ये आप याद रखें और इसके जो आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल छत्तीस से लेकर इक्यावन तक ये आप याद रख सकते हो इसके अलावा आप ये भी याद रखें डीपीएसपी जो हैं ये हमने बोरे किए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से यानी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ से हमने बुरो किया है डी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ये भी आप याद रख सकते हो नेक्स्ट एक और पूछी गई थी बुक का नाम जिसका नाम था कथा सरित सागर इस बुक को लिखा किसने था कथा सरित सागर बुक जो है इसको लिखा गया था सोमदेव के द्वारा सोमदेव के द्वारा बुक लिखी गई थी जिसका नाम था कथा सरित सागर सोमदेवा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सतीश शिवालिंगम जो है ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट हैं सतीश शिवालिंगम जो है ये एसोसिएट हैं इंडियन वेट लिफ्टर इंडियन वेट लिफ्टर हैं जिनका नाम है सतीश शिवालिंगम ये हैं इंडियन वेट लिफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पच्चीस नंबर क्वेश्चन विच ऑफ़ द फोिंग इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू बिकम एन ओलंपिक्स सिल्वर मेडलिस्ट यानी इंडिया के पहले प्लेयर कौन बने थे बैडमिंटन कैटेगरी में बैडमिंटन प्लेयर कौन बने थे जिनके द्वारा ओलंपिक्स में एक मेडल जीता गया था दैट इज़ द सिल्वर मेडल ये जीता गया था पीवी सिंधु के द्वारा 2016 में जीता गया था जो समर ओलंपिक्स हुए थे इसमें पीवी सिंधु के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था ये आप याद रखें 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छब्बीस नंबर क्वेश्चन वेन वाज द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क हेल्ड जो पहली जो समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी जो पहली सम्मिट हुई थी सार्क की सार्क की जो पहली सम्मिट हुई थी वो हुई थी 1985 में कहाँ हुई थी ढाका में जो कि बांग्लादेश में लोकेटेड है और कल के दिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो अफगानिस्तान है वो किस ईयर में मेंबर में बना था सार्क का सार्क का मेंबर बना था 2007 में ये आप याद रखें सार्क का मेंबर बना था अफगानिस्तान एटथ नंबर मेंबर बना था 2007 में और आज के दिन पूछा गया था पहली जो सबमिट हुई थी सार्क की वो कहाँ पे हुई थी ये हुई थी ढाका बांग्लादेश में उन्नीस में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 27 नंबर क्वेश्चन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया दैट इज गन मन वाज फर्स्ट संग एट यानी नेशनल एंथम जो है इंडिया का जिसका नाम है जन गन मन ये पहली बार कहां पे गाया गया था यह पहली बार गाया गया था कलकत्ता सेशन में जो हुआ था 1911 में और इसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया यह किया गया था 24 जनवरी 1950 को यह भी काफ़ी कुछ थे एग्जाम में सो याद रखिए अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को और पहली बार गाया गया था कलकत्ता सेशन में जो हुआ था उन्नीस में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज़ नॉट रिलेटेड विद मारवाड़ यानी मारवाड़ से एसोसिएट कौन सा रूलर नहीं है ये है राणा कुंभा राणा कुंभा जो हैं ये हैं शासक रूलर मेवाड़ के यहाँ पे बात की जा रही है मारवाड़ की ये एसोसिएट हैं मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था राणा कुंभा यही पूछा गया है मारवाड़ का कौन सा शासक नहीं है इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन हमारा जो राणा कुंभा हमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन विच सिटी ऑफ केरला एक टेम्पल का नाम पूछा गया था ये कहाँ पे लोकेटेड है पदमाना बा स्वामी टेंपल जो है पदमाना बा स्वामी टेम्पल जो है ये किस किस सिटी में लोकेटेड है ये लोकेटेड है तिरुवंतपुरम में तिरुवंतपुरम एक सिटी है केरला का जिसको त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं यहाँ पे लोकेटेड है एक टेम्पल जिसका नाम था पदमानभा स्वामी टेम्पल यहाँ पे याद रखें तिरुवं, तिरुवंत तिरुवंतपुरम और त्रिवेंद्रम भी इसको बोलते हैं काफ़ी बार यहाँ पे याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीस नंबर क्वेश्चन इतमद उद दौला टॉम्ब जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है इतमद उद दौला टोंब जो है ये मकबरा जो है ये लोकेटेड है आगरा में जो एक सिटी है यूपी का उत्तर प्रदेश का आगरा यूपी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इकतीस नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री गिवन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एवरी ईयर ये आप याद रखें क्या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो ट्वेंटी ट्वेंटी में दो हजार बीस में पांच जो प्लेयर्स हैं इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है वो कौन कौन से प्लेयर हैं उन सभी के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बत्तीस नंबर क्वेश्चन वी आर डिस्प्लेस्ड ये जो बुक है इसको लिखा किसके द्वारा गया था इस बुक को लिखा था मलाला यूसफ जय ने मलाला यूसुफ जय जो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसफ जय नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो बथुकम्मा फेस्टिवल जो है ये किस राज्य से एसोसिएट है बथुकम्मा फेस्टिवल जो है ये एसोसिएट है तेलंगाना से तेलंगाना मेरेडियन 90 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीन विच लाइन इज नॉट पासिस थ्रो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यानी जो मेरिडियन है 90 डिग्री ईस्ट में ग्रीन विच ये कौन से ऑप्शंस में से पास होके okay नहीं जाती है ये लाइन ये पास होके okay किस में से नहीं जाती है ये इंडिया के दो प्लेस हैं दो स्टेट हैं जिनमें से पास होके okay जाती है एक तो है असम एक है मेघालय यानी बांग्लादेश से जाती है भूटान में जाती है और मेघालय में जाती है बट सिक्किम से पास होके okay ये नहीं जाती है यही इसमें क्वेश्चन में, में पूछा गया है फोर्थ ऑप्शन द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पैंतीस नंबर क्वेश्चन इन विच ईयर लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज इंक्लूडेड इन इंडिया यानी लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट जो थी जिसका नाम था हैदराबाद इसको इंडिया में कब इंक्लूड किया गया था इसको इंडिया में शामिल किया गया था उन्नीस में नाइनटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीस नंबर क्वेश्चन हु इज द करंट कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इंडियन फुटबॉल टीम जो है इसके प्रेजेंट में जो कोच है उनका नाम क्या है इनका नाम है एगोर स्ट्रीमैक एगोर स्ट्रीमैक जो हैं ये हैं करंट टाइम में एज द कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इसके अलावा जो प्रेजेंट में जो हमारी टीम के यानी फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है उनका नाम है सुनील छेत्री सुनील छेत्री इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है इसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा यानी दो ऑर्गेनाइजेशन एक तो है हेरिटेज फाउंडेशन एक है द वॉल स्ट्रीट जर्नल इन दोनों के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है हर साल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन विच सिटी ऑफ झारखंड यानी झारखंड का कौन सा सिटी है जिसमें एक मेन पार्क प्लांट है जिसका नाम है टिस्को टिस्को कंपनी का एक मेन प्लांट है सेंट्रल प्लांट है यह कौन सी सिटी में लोकेटेड है यह लोकेटेड है जमशेदपुर में जमशेदपुर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उनतालीस नंबर क्वेश्चन विटीकल्चर जो है इसमें किस चीज की जो है स्टडी की जाती है विटिकल्चर इज द कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ इसमें कल्टिवेशन और हार्वेस्टिंग की जाती है ग्रेप्स की ग्रेप्स की जो अध्ययन होता है खेती होती है उसको बोला जाता है विटीकल्चर ग्रेप्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चालीस नंबर क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर टेन जो है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे कितने हैं सत्रह इनको हमने रियलाइज़ करना है 2030 तक यानी 2030 तक हमने इनको अचीव करना है सत्रह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ये हमारा एजेंडा है ये आप याद रखें इसके अलावा इसमें पूछा गया था जो हमारा टेंथ नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये किस चीज़ से एसोसिएट है ये एसोसिएट है रिड्यूस्ड इन से यानी जो इनक्वलिटी है अमीर गरीब उनमें से जो आ, अमीर गरीब की जो इनक्वालिटी है इसको रिड्यूस करना है इसको कम करना है इसको मिटाना है ये है टेंथ नंबर जो कि एसोसिएट है रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी से नेक्स्ट क्वेश्चन है इकतालीस नंबर क्वेश्चन गोवर्धन मठ जो है ये किस राज्य में लोकेटेड है यह लोकेटेड है उड़ीसा राज्य में उड़ीसा राज्य में लोकेटेड है गोवर्धन मठ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेन डे एंड नाइट आर इक्वल

नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र के गवर्नर पूछे गए थे यानी महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनका नाम बेसिकली पूछा गया था इनका जो नाम है वो है भगत सिंह कौश्यारी भगत सिंह कौश्यारी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि महाराष्ट्र के गवर्नर या फिर सीएम पूछे गए थे सीएम भी आप याद रख सकते हो ये हैं उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन तीन नंबर क्वेश्चन हु इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ इंडियन नेवल स्टाफ जो है इसके जो चीफ हैं मुख्य हैं वो कौन हैं इसके जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह एडमिरल करमवीर सिंह इसके अलावा आर्मी की जो चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने एम एम नरवाने और एयरफोर्स के जो चीफ हैं हमारे वो हैं आर के एस भदौरिया और सी डी एस यानी जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो हैं विपिन रावता विपिन रावता ये भी आप याद रखें हो सकता है आपको कल्श वाली शिफ्ट में इनमें से कोई पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूर्ण स्वराज सेशन जो हुआ था उन्नीस में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था पूर्ण स्वराज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था ये कब हुआ था उन्नीस में हुआ था और कौन सा सेशन था ये ये था लाहौर सेशन और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू इनमें से ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक आपसे पूछा गया था जो पूर्ण स्वराज सेशन था वो कब हुआ था उसका आंसर था उन्नीस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन India shares smallest international boundary with which country yani India ke dwara smallest यानी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री जो है वो किस देश के साथ शेयर की जाती है इंडिया के द्वारा सबसे छोटी जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर की जाती है ओनली 106 सौ छः किलोमीटर्स की ओनली 106 सौ छः किलोमीटर्स की इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो लॉन्गेस्ट जो इंडिया का बॉर्डर है वो किस देश के साथ है वो है बांग्लादेश के साथ कितना है ये है चार हजार छियानवे पॉइंट सात किलोमीटर ये है हमारा बांग्लादेश के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो शेयर होता है अप्रोक्सीमेटली चार हजार सतानवे किलोमीटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन इंडिया ओनली यानी इंडिया का और वर्ल्ड का विश्व का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है तैरता हुआ पार्क वो कहां पे लोकेटेड है ये लोकेटेड है मणिपुर राज्य में मणिपुर राज्य में लोकेटेड है जो इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकेटेड है मणिपुर में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज रिसीव्ड फर्स्ट नोबल प्राइज इन फिजिक्स फ्रॉम इंडिया यानी इंडिया के पहले साइंटिस्ट कौन बने थे जिनको नोबल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में ये दिया गया था डॉक्टर सी वी रमन को कब दिया गया था 1930 में दिया गया था फॉर द फॉर रमन इफेक्ट रमन इफेक्ट की खोज के लिए डिस्कवरी के लिए इनको ये नॉबल प्राइज दिया गया था फिजिक्स कैटेगरी में 1930 में डॉक्टर सी वी रमन को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया यानी कंप्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल जो है इंडिया के प्रेजेंट टाइम में उनका नाम पूछा गया था बेसिकली इनका जो नाम है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले ये जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के ये आप सभी को पता होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के अभी कौन है मनोज सिन्हा मनोज सिन्हा और इनकी जो रिटायरमेंट एज है कैग के लिए वो है छः साल यानी छः साल या फिर पैंसठ साल इन दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा उस डेट कौन के द्वारा रिटायरमेंट लेना पड़ेगा और कैग जो है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल इसे जो आर्टिकल डील करता है वो वो है आर्टिकल 148 नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द एरिया ऑफ गोवा इन स्केयर किलोमीटर्स यानी गोवा का बेसिकली एरिया यहाँ पे पूछा गया था गोवा का जो एरिया है किलोमीटर्स में स्केयर किलोमीटर्स में वो है सैंतीसो दो स्केयर किलोमीटर सैंतीस सौ दो स्केयर किलोमीटर्स इसके अलावा आप ये भी याद रखें जो राजस्थान है ये सबसे आ, सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की ये आप याद रखें जो गोवा है ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट है भारत की और जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है राजस्थान इसका एरिया भी आपसे पूछा जा सकता है इसका जो एरिया है वो है तीन लाख बयालीस हज़ार दो सौ उनतालीस स्क्केयर किलोमीटर ये है एरिया ऑफ राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिरहोर ट्राइब जो है ये किस राज्य से एसोसिएट है ये ट्राइब है किस स्टेट की है ये है झारखंड स्टेट की झारखंड स्टेट की ट्राइब के नाम से पूछा गया था बिरहोर ट्राइब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल 2020 जो हुआ था इसको किसके द्वारा जीता गया था इसको जीता गया था मुंबई इंडियंस के द्वारा मुंबई इंडियंस के द्वारा और मुंबई इंडियंस के द्वारा फाइनल में हराया है दिल्ली कैपिटल्स को यानी रनर्स टीम जो रही है वो है दिल्ली कैपिटल्स का ये भी आप याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हेमिस नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है ये लोकेटेड है लद्दाख में लद्दाख यूटी में लोकेटेड है हेमिस नेशनल पार्क का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फुआद मिर्जा जो हैं ये कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएट हैं ये एसोसिएट हैं एसोसिएट हैं एक्स्ट्रियन यानी एक्स्ट्रियन से एसोसिएट हैं जो फुआद मिर्जा हैं ये आप याद रखें और इनके द्वारा दो में एशियन गेम्स जो हुए थे उनमें सिल्वर मेडल जीता गया था ये भी आप याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्टीन नंबर क्वेश्चन चौदह नंबर क्वेश्चन ग्यारह सौ इक्यानवे में जो पृथ्वीराज चौहान थे इनके द्वारा किसको हराया गया था ये बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था ये जो हराया गया था वो थे मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी को हराया गया था ग्यारह सौ इक्यानवे में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसके अलावा आप ये भी याद रखें ग्यारह सौ बानवे यानी अगले ही साल जो मोहम्मद गोरी थे इनके द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था ये भी आप याद रख सकते हो यानी ग्यारह सौ इक्यानवे में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया मोहम्मद गोरी के द्वारा ग्यारह सौ बानवे में फिर किसको हराया गया पृथ्वीराज चौहान को ये आप याद रखें ये चौदह पंद्रह क्वेश्चन जो हैं वो सेकेंड शिफ्ट में मिले हैं अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो चौरासी तीन सौ अठहत्तर चुरंजा जीरो उन्यानवे ये है व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप जो अदर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो आप सेंड कर सकते हो अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ बता सकते हो अगली जो वीडियो होगी कल वाली शिफ्ट की उसमें बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे सो so, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो में हम सिक्सटी के आसपास क्वेश्चन को कवर किया है अगर आपको इनके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हो So, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाई फाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि इस तरह की जो जन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं विद हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी वो आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती हैं हमारे चैनल वाई फाई एजुकेशन पर इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक्चुअल एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं इसमें हो सकता है 80 से लेकर 90 परसेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो एक्चुअल होंगे यानी ऑथेंटिक होंगे 80 से लेकर 90 परसेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे वही इसमें इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होने की वजह से दो चार क्वेश्चन जो होते हैं वो अदर भी बता दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा इसलिए वो भी क्वेश्चन इसमें इस वीडियोस में इंक्लूड कर लिए जाते हैं इसलिए सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मान सकते हैं हम ऑथेंटिक हैं ये आप याद रखें क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप ही लोगों के द्वारा सेंड किए गए होते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से टेलीग्राम के माध्यम से सभी जो क्वेश्चन हैं वो आप ही के द्वारा सेंड किए होते हैं सो थैंक यू सो मच